अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे कि आप वोटर कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, वोटर कार्ड डाउनलोड कैसे करें, यानी आप वोटर कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा हर दिन की तरह गुजारिश करना चाहता हूं, जैसे अभी डिजिटल चैनल पर आप लोग न्यू है तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी भी दबा दें ताकि आप लोग तक ऐसे नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। जैसे कि पिछले वीडियो में देखा, वोटर कार्ड में फोटो और मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में आपने जाना। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं आज वोटर कार्ड को ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको इस साइट पे आना, वेबसाइट पे जैसे न्यू टैब पे जाएंगे, nvfp.in आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे इस तरह से कुछ आपका आ जाएगा थंबनेल, यानी इमेज आ जाएगा जो होम पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे ईपिक डाउनलोड है, सर्च है, डाउनलोड इलेक्ट्रल रोल है, कई प्रकार की चीज़ें हैं, ट्रैक है, यानी कि आप जो आपने वोटर कार्ड को आपने बनाया है यानी जो अपडेट किया है उसको ट्रैकिंग यानी कि ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ईपिक नंबर डाउनलोड, ईपिक पे डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इमेज मेरा ओपन होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है यूजर आईडी एंड पासवर्ड, लेकिन यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है तो आपको करना क्या है, डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर नाउ, तो आपको न्यू अकाउंट नंबर आपको रजिस्टर करना है, और अगर है आपके पास तो आपको सीधा सा लॉगिन करना है। जैसे मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ अपना एक डमी यानी कि डमी आईडी से लॉगिन करूँगा। अब ये देख रहे हैं कि डमी आईडी से हम लॉगिन करने जा रहे हैं। ये देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से कैप्चा कोड दिए और लॉगिन पे क्लिक कर दिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से हम लॉगिन पेज पे आ गए। मेरा डैशबोर्ड यहाँ से दिखा रहा है, होम दिखा रहा है, अबाउट दिखा रहा है, डैशबोर्ड दिखा रहा है, इस तरह से पोर्टल लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ईपिक हम दोबारा जाएंगे ईपिक डाउनलोड पे। ईपिक डाउनलोड पे जैसे ही गए, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे दो कंडीशन है, ईपिक नंबर और यहाँ पे फॉर्म रेफरेंस नंबर, यानी ईपिक नंबर से भी रेफरेंस नंबर से भी दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम वोटर नंबर देंगे, वोटर नंबर देने के बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी स्टेट होंगे आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इमेज आएगा, देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से। अब आपको सेंड ओटीपी यहाँ देख रहे हैं, सेंड ओटीपी यानी कि प्लीज ऑथेंटिकेशन एथोराइजेशन यानी कि यूजिंग ओटीपी। अब ओटीपी हम सेंड कर देंगे। ओटीपी सेंड करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी आपको प्रेस करना है। अब यहाँ पे जैसे कि मेरे को ओटीपी प्राप्त हो चुका है, अब यहाँ हम ओटीपी को यहाँ प्रेस करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे जैसे क्लिक करते हैं, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक कैप्चा कोड आता है जो डाउनलोड करने के लिए दोबारा मांगता है। अब यहाँ पे हम कैप्चा कोड को दोबारा से इस तरह से फिल करेंगे, डाउनलोड पे ईपिक पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ है, आपका सर्चिंग में घूम रहा है, रेफरेंस कर रहा है, थोड़ा सा हमें वेट कर लेना है, कभी कभी डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो गया, यानी कि आपका वोटर कार्ड कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होता है। अब इसे आप कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं, लेमिनेट करा सकते हैं, इस वोटर कार्ड को आप कहीं भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने देखा कि वोटर कार्ड को कैसे हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपको चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोग दोस्तों को भी पता चले कि आसानी से कैसे हम वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त।